ठंडा मतलब कोका कोला, कोका कोला होता है ठंडा मतलब है? नारियल पानी नहीं होता है, लस्सी, सत्तू, दही, ये सब ठंडा नहीं होता है, मिश्री सब ठंडा होता है कि नहीं होता है? तो कोका कोला कैसे ठंडा मतलब हो गया? तो ठंडा मतलब कोका कोला होता, मतलब नारियल पानी नहीं होता, सत्तू नहीं होता कि दही नहीं होता, तो ठंडा मतलब कोका कोला कैसे हो गया? नमस्कार दर्शकों, रात के 9 बज चुके हैं, वक्त भारत एट 9 का है, मेरा नाम काविन चौहान है। कन्हैया कुमार चीख चीख कर कहता रहा, लेकिन आप चीख चीख कर हंसते रहे, वो लेफ्ट का नेता है इसलिए लेफ्ट साइड कर दिया गया होगा। खैर, स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का एक वीडियो खुद चलकर विदेश से भारत आया तो उसका खूब स्वागत सत्कार किया गया। पनवाड़ी की दुकान पर लोग पान मसाला खाकर इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि रोनाल्डो कितना बढ़िया आदमी है, सिखा रहा है कि पानी पियो, कोका कोला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खैर, खबर लिखने वाले का काम ये नहीं होता कि जो वीडियो में दिख रहा है उसी को लिख दो, एंकर का काम ये नहीं होता कि बस खबर को पढ़ दो, वैसे ही दर्शकों का काम ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो दिखाया जा रहा है उसे आंखें मूंद कर फॉरवर्ड कर दो और लिख दो हमारे यहाँ के खिलाड़ी तो शराब का विज्ञापन भी करते हैं, एक्टर पान मसाले का विज्ञापन करते हैं, बड़े सेलिब्रिटी गैम्बलिंग का प्रचार प्रसार करते हैं। इसको आप अपने हिसाब से आंखते रहिए, लेकिन हर सच के पीछे भी एक सच होता है जो कि टू मच होता है, उसी ज्यादा सच को समझिए। पूरी खबर क्या है आपको पता है, नहीं पता तो बाद में बता देंगे, पहले थोड़ा सच बता देते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, उनके करोड़ों फैंस हैं, लेकिन उन्होंने कोका कोला से इतना पैसा खींचा है जितने एक बार में अंक मैं लिख भी नहीं सकता। तो सवाल लाजमी है कि बोतल हटाई क्यों गई? तो कोका कोला की बोतल इसलिए हटाई गई, उसका जवाब यह है कि कोका कोला यूरो 2020 का पार्टनर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पार्टनर वो नहीं है। जब जिसका पार्टनर नहीं है तो क्यों उसको अपनी आंखों के सामने रखेगा भला? लेकिन यही कोका कोला जब रोनाल्डो का पार्टनर हुआ करता था तो जनाब के सर आंखों पर रहता था, बस इतनी सी बात है, बाकी सब भोलेनाथ है। और हाँ, जो पानी की बोतल रोनाल्डो के हाथ में उस समय दिख रही थी उस पर किसी का ब्रांड नहीं था, मतलब वो पार्टनर नहीं है, बस पीने का पानी है जो प्यास बुझाता है। चलिए ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज के इसी घालमेल पर आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ हो, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े सेलिब्रिटी ने किसी ब्रांड के साथ ऐसा व्यवहार किया हो और उसकी कीमत में असर पड़ा हो। मशहूर मॉडल काइली जेनर ने स्नैपचैट को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद स्नैपचैट के स्टॉक्स को $1.3 बिलियन का घाटा हुआ था। ये ट्वीट 21 फरवरी 2018 को किया गया था। बाजू वाली खिड़की में तस्वीर दिख रही होगी। इसके बाद रोनाल्डो वाला मैटर तो है ही है। रोनाल्डो की ब्रांड हटाओ एक्टिविटी में कोका कोला के अलावा एक पीड़ित और भी है, और वो है हाइनेकिन। हाइनेकिन ब्रांड शिकार हुआ है पाउल पोगवा का। पाउल पोगवा फ्रांस के स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी हैं और ये मामला भी यूरो 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही है। पाउल पोगवा ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम है। वहां रखी बोतल की गलती बस इतनी थी कि वो अल्कोहल जैसी शक्ल वाली बोतल की तरह दिखती थी, वैसे वो नॉन अल्कोहल थी आपको बता दूं। लेकिन ध्यान रखिए, मशहूर लोगों के ऐसे कारनामों से सिर्फ ब्रांड को ही नुकसान नहीं होता बल्कि इन मशहूर लोगों को भी होता है। 9 साल पीछे चलते हैं, बात 2012 की है। ब्राजीलियन फुटबॉलर रोनाल्डिनो तब कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर थे। एक कार्यक्रम के दौरान जब उन्हें प्यास लगी तो मेज पर रखी पेप्सी पी, उसको पी गए। इसके बाद कोका कोला ने उनसे अपना करार खत्म कर लिया, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यहां पर खिलाड़ी को नुकसान हुआ। अमेरिकन पॉप स्टार ब्रिटनी स्पियर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक्या हुआ 2001 में। पेप्सी के एंडोर्समेंट के लिए उनका $multi-million में करार हुआ था, लेकिन जब उनकी तस्वीर कोका कोला के साथ आती है तो कंपनी अगले साल उनसे करार खत्म कर लेती है और फिर बियॉन्से नॉलेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देती है। अब आता हूं पूरी बात पर। जिनको नहीं पता उनके लिए तो हुआ यूं कि मशहूर पुर्तगाल के जो फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपने टेबल पर रखी कोका कोला की 2 बोटल्स गुस्से में हटाई तो इससे दुनिया भर में बवाल मच गया। रोनाल्डो ने यह कहा कि कोका कोला पीने की जगह लोगों को पानी पीने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ड्रिंक वाटर करके उन्होंने एक नोटिस दिया था। इसके बाद कुछ ही सेकंड में इस पूरे वाक्य का असर था कि कोका कोला के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे और करीब $4 बिलियन तक गिर गए। यूरोप में दोपहर 3 बजे मार्केट खुली थी, उस वक्त कोका कोला के शेयर का रेट $56.10 था। आधे घंटे के बाद रोनाल्डो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके कुछ देर बाद ही कोका कोला के शेयर गिरने लगे और ये $55.22 तक पहुंच गए।
तब से लगातार कोका कोला के शेयर में उतार चढ़ाव जारी है। समझ गया? बिल्कुल। खैर चलते चलते आपको बताता चलूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वेट लॉस सप्लीमेंट हर्बल लाइफ के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2019 में जनरल साइंस डायरेक्ट में स्लिमिंग टू डेथ हर्बल लाइफ एसोसिएटेड फेटल एक्यूट लिवर फेलियर नामक रिपोर्ट छपती है, जिसमें बताया गया कि भारत में एक युवती की मौत हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट की वजह से हुई। कुछ महीने के सेवन के बाद युवती का लिवर फेल हो जाता है। रिपोर्ट छपने के बाद कंपनी की तरफ से लेखक को धमकी दी जाती है और साइंस डायरेक्ट ने रिपोर्ट को डिलीट कर दिया। उसके बाद क्योंकि भारत में उसे बड़ा बाजार दिख रहा था इसलिए डिलीट करवाया गया होगा। और ऐसी शिकायतें बस भारत से नहीं है, इसराइल, स्पेन जैसे कई देशों में हर्बल लाइफ पर मुकदमा चल रहा है। 2016 में कंपनी पर हुए मुकदमे के बाद उन्होंने $200 मिलियन देकर अपना गला बचाया था। पिछले साल हर्बल लाइफ कंपनी को चीन में दर्ज हुए कई आपराधिक मुकदमों के एवज में $123 मिलियन बतौर जुर्माना चुकाना भी पड़ा था। तो दर्शकों ये था पूरे मामले का ABCD, मतलब काइली से लेकर क्रिस्टियानो तक, स्नैपचैट से लेकर हाइनेकन तक। ये रवैया किसी के लिए सही तो किसी के लिए गलत हो सकता है। मसलन जो कंपनियां अपने ब्रांड का विज्ञापन दे रही हैं उन्हें भरपूर गुस्सा आया होगा। कोई छुटभैया खिलाड़ी होता तो बोर्ड की तरफ से पनिश भी कर दिया गया होता। खैर खिलाड़ी था क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा, भैया क्या करेंगे। भारत में भी कोई खिलाड़ी आजकल कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं करता है, ये भ्रामक खबरें हैं। वक्त बदल चुका है, अब खिलाड़ी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो वक्त अलग था जब इंजमाम उल हक की तरह दिखने वाले खिलाड़ी भी फील्ड पर खेल कूद करते थे। वक्त बदला है तो खिलाड़ियों का रवैया भी बदला है, ब्रांड एंडोर्समेंट का भी तरीका बदला है। इसका फायदा ये है कि खिलाड़ियों के फैंस जो उनको बहुत करीब से फॉलो करते हैं, जो उनकी फिटनेस डाइट को बहुत करीब से मॉनिटर करते हैं, उनमें जरूर बदलाव आएगा। देखिए अंत में जो कुछ है वो हेल्थ ही है, तो एक बात को समझिए और ध्यान रखिए कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और भारत नेट 9 ऐसे ही लगातार देखते रहिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने ही रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।